और जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे अभी तार वगैरह लगाए जा रहे हैं इन पोलों पे, वहां पे तो लग चुके हैं उस साइड को, ये इन खंभों पे बाकी है। सो हे गाइस, मैं आपके होस्ट नुपुर एंड वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नुपुर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि अभी हम आए हैं अपने शहर शाहजहाँपुर के ओसिया रामलीला ग्राउंड, और आपको बता दें बस कुछ ही दिनों बाद जो है दशहरे वाला मेला जो है लगने वाला है, रामलीला की शुरुआत होने जा रही है। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो है हर साल जो है उसी रामलीला यहाँ पे होती है, और उसकी तैयारियाँ जो है वो भी यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। और चलिए आप ही आपको हम पूरा दिखाते क्या क्या तैयारियाँ भी हो चुकी हैं। अभी ज़्यादा कुछ हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे अभी, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा टाइम है, लेकिन चलिए जितनी तैयारियाँ हैं वो सब दिखाते हैं अभी आपको। और यहाँ पे रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है रामलीला की, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से करिएगा। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो ये कैंट वाली रोड है, और यहीं पर लगता है ओसीएफ रामलीला मेला, और ये वही गेट है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे गर्मियों में, मतलब गर्मियाँ तो फिलहाल चली रही हैं, मतलब अभी मई में, मई जून में यहाँ पे जो है वो नुमाइश भी लगी थी, और अभी यहाँ पे देखिए अभी ये गेट सुनसान है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये पूरा सजा दिया जाएगा, और यहाँ पे मतलब रिबन काट के मेले का उद्घाटन भी होगा। और जैसे कि देख सकते हैं अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत सामान आ भी गया लोगों का, और झूले वगैरह तो नहीं आए हैं पूरे ग्राउंड में, हमको कहीं भी झूले का नहीं दिख रहा, कि बस यहाँ पे भी दुकानों के लिए निशान बनाए जा रहे हैं। अभी ग्राउंड में सफाई भी नहीं हुई है, बस जैसे कि देख के पा रहे हैं अभी। और जैसे कि अभी यहाँ पे करिए पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इस साइड को यहाँ पे झूले वगैरह लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम यहाँ पे ग्राउंड में टहल रहे हैं, और यहाँ पे दुकानें वगैरह तो लगी हुई हैं, मतलब कुछ लगी हुई क्या, मतलब लग रही हैं धीरे धीरे। और चलिए आपको हम पूरा ग्राउंड एक्सप्लोर करवाते हैं और दिखाते हैं। अभी बरसात की वजह से यहाँ पे गड्ढे वगैरह हो रखे हैं, तो अभी जब सफाई होगी पूरे ग्राउंड की, तो इन गड्ढों पे में मिट्टी वगैरह डाल दी, बराबर कर दिया जाएगा, मतलब मिट्टी डाल के। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने की ओर ये बल्लियाँ वगैरह लग चुकी हैं, इस पर तारे वगैरह भी लग गए हैं। और यहाँ पे इसकी ये देख रहे हैं आप, ये जो बॉक्स टाइप के बने, तो यहाँ पे दुकानों के लिए जगह छोड़ी गई है, निशान बनाए गए हैं कि यहाँ पे दुकानें लगेंगी। और ऐसे करते करते यहाँ पे देखिए दुकान जो आनी है, लगनी है, उनका सामान जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसके भी आप देख रहे हैं। और ये जो दुकानें हैं सब बहुत दूर दूर से बाहर से आती हैं सभी की, तो लोगों ने अपना अपना सामान अभी से लाना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेले को शुरू होने में। ये देखिए यहाँ पे ये सामान वगैरह लगा हुआ है, ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ऐसे जगह बना दी गई है, ऐसे ये चौक डाल के बता, मतलब यहाँ पे जो दुकानें लगनी हैं तो उसके लिए ना यहाँ पे जगह बना दी गई है, वहाँ पे देखो डाला भी जा रहा है, वहाँ पे देखो ये चौक डाली जा रही है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे इन इन जगहों पे दुकानें लगेंगी। यहाँ पे देखो जो दुकान का सामान है वो धीरे धीरे आ गया है। अंकल जी यहाँ पे क्या लगेगा जी? नहीं वो तो लगता है यहाँ पे दुकानें जो हैं उसका सामान वगैरह आने लगा ना अभी। अच्छा ये आप लोगों की दुकान का सामान है, अच्छा तो यहाँ पे देखो ऐसे निशान बनाए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना पड़ना है चूना इस तरीके से। भैया क्या मतलब गेट किस बात का बन रहा है? अच्छा मतलब वहाँ पे दो गेट बनेंगे। तो मेला के जो उद्घाटन है वो कब से हो रहा है? 15 तारीख से जी। इस बार कौन कौन से झूले आ रहे हैं? तो पिछली बार झूले आए थे वो सारे झूले जी। अच्छा
तो जैसे कि देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो है पूरी फुल ऑन तैयारी शुरू हो चुकी है और सब लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आप सामने देख पा रहे हो वहाँ पे है वो रामलीला मंच जहाँ पे अभी बैक स्टेज जो है रिहर्सल भी चल रही है। तो अभी ये पूरा ग्राउंड जैसे कि आपको खाली दिख रहा है लेकिन अभी कुछ दिनों बाद यानी 15 तारीख से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी आपको बता दें एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि पीछे आप मेरे जो ये पोल देख रहे हो ये वाला इलेक्ट्रिक वाला, तो अक्सर मेले में ये होता है जब ये सजा होता है तो हम लोग से मेले पूरी चारों ओर दुकानें वगैरह लगी होती हैं तो रास्ता भटक जाते हैं, तो अगर कभी भी किसी को बुलाना रहता है मेले में तो हम लोग बस यही कह देते हैं भैया इस खंभे के पास आ जाना, हम लोग यहीं पे मिलेंगे। तो ये एक लैंडमार्क बन जाता है हमारे लिए मेले के दौरान। अभी तो इतना खुले कहीं सीधे निकल जाओ लेकिन जब यहाँ पर दुकानें वगैरह लगी रहती हैं तब समझ नहीं आता कहाँ पर कहाँ घुसना है। तो हमेशा हम लोग या घर में कोई भी होता है मम्मी या पापा से कहते हैं यहीं पर यहीं पर मिलना, घूम फिर क्या हो बस यहीं पे साके मिल जाओ यहाँ पे इसी के आसपास जो खाने पीने की दुकानें वगैरह लगी रहती हैं। तो ये एक हमारा इस यहाँ का लैंडमार्क है। तो चलिए अभी आपको हम इसी खंबे के पास टावर के पास लेके चलते हैं क्योंकि ये पूरे ग्राउंड का एक लैंडमार्क है। और जब यहाँ पे पूरी डेकोरेशन वगैरह हो जाएगी मेरे की तो इसमें इसके ऊपर झालरें वगैरह डाल दी जाएंगी ऑरेंज कलर की। तो जैसे मैं हमने बताया था कि यहाँ पे लोग ड्राइविंग भी सीखते हैं। तुमको बता दें ये जो टावर देख रहे हो यहीं से ही पूरे मेले को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, यहीं पे पूरा इनका सिस्टम वगैरह बनाया जाता है। और उधर साइड को बल्लियाँ वगैरह आ चुकी हैं जो पूरे यहाँ ग्राउंड में लगा दी जाएंगी। देख सकते हो यहाँ पे सब सामान वगैरह पड़ा हुआ है, बल्लियाँ वगैरह हैं। और यहाँ पे सामने देख पा रहे हुए यहाँ पे लाइट और तार यहाँ पे सब जोड़ दिए गए हैं और यहाँ पे लाइटें वगैरह भी लगाई जाएंगी। फ्रेंड्स आप पहुँच चुके हैं फैक्ट्री स्ट्रीट रामलीला मंच के पास। हम जैसे देखते हैं यहाँ पे ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब द्वारा यहाँ पे रामलीला खेली जाती है और अभी अंदर जो रिहर्सल भी चल रही है तो उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं रिहर्सल की बाहर तक। फ्रेंड्स आपको बता दें अभी यहाँ स्टेज ये मतलब बैक स्टेज जो है वहाँ पे रिहर्सल चल रही है, उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं। तो अभी आपको पता हमने रिहर्सल का पूरा फुल ब्लॉग भी हम दे चुके हैं। लास्ट ईयर जब हुई थी हमने एक एक आपको कैरेक्टर जो प्ले करते हैं राम सीता जी लक्ष्मण जी और हनुमान जी वंदन सबका रावण उन सबका हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी पूरा ब्लॉग लास्ट ईयर वाला। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो जाके लास्ट ईयर वाला ब्लॉग देख गए रिहर्सल का। और फिलहाल चलते हैं आपको दिखाते हैं वहाँ पे वो जगह जहाँ पे रावण के जो पुतले हैं वो खड़े किए जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे अभी तार वगैरह लगाए जा रहे हैं इन पोलों पे, वहाँ पे तो लग चुके हैं उस साइड को, ये इन खम्भों पे बाकी है। आप देख पा रहे हो कि हम वहाँ से शुरू किए थे ब्लॉग कितना दूर डिस्टेंस है, तो मैं लगभग आपको सब दिखा दिया है क्योंकि यहाँ पे जो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं रामलीला की। और अभी आपको बता दें अब हम पहुँच चुके हैं वो एरिया जहाँ पे जो है रावण के जो पुतले जो हैं वो खड़े किए जाते हैं। तो ये वही एरिया है जहाँ पे जो है वो पुतले खड़े किए जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पे कुछ सामान वगैरह आ रहा है, अब ट्रक से उतारा जा रहा है, अब पता नहीं दुकानों का है झूलों का है कि क्या है वो। और अभी तो फिलहाल यहाँ पे सब तैयारियां ही चल रही हैं और क्या ही हम आपको बताएं। ये देखो यहाँ पे इन ट्रकों के जरिए यहाँ पे सब सामान आ रहा है। और ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे ये जो मार्क बने है, ये मार्क आपको दिख रहा है हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा और एक इस साइड को ये ब्लैक ब्लैक सा है और उधर भी है। तो यहाँ पे वो तीनों पुतले जो है वो खड़े किए जाते हैं, नहीं दिखा रहे। और यहाँ पे देख पा रहे हो आप यहाँ पे मिट्टी वगैरह खोद दी गई, यहाँ पे पोल्स वगैरह लगाए जाएंगे और यहाँ पे और भी खोदे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आपको हमने
पूरा ये जो ग्राउंड है वो तो दिखा ही दिया है, वहाँ से शुरू किया पूरा दिखाते हुए आ गए। और अभी लगभग जितनी तैयारियाँ हैं वो भी यही हैं कि मतलब दुकानें वगैरह थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं, और दुकानों के लिए जो जगह छोड़ी जाती है वो उसके निशान बनाए जा रहे हैं। और जैसे कि देख पा रहे ये वो वाला स्टेज है जहाँ पे लंका दहन होता है, जो छोटा वाला स्टेज है, और जो मेन स्टेज है वो ये रहा। यहाँ पे अंदर भी बैक स्टेज यानी ग्रीन रूम में रिहर्सल भी चल रही है, और रिहर्सल का ब्लॉग तो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं पहले ही, और हमने हर एक एक जो इस रामदास कैरेक्टर है उन सबसे इंट्रोड्यूस भी कराया था। तो आपने वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, या फिर आप चैनल विजिट करो, आप पूरा ब्लॉग या फिर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ रामलीला सीरीज के पूरी सीरीज पड़ी हुई है, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। चलिए अभी तो फिलहाल यहाँ पे तो दिखा दिया हूँ मोस्टली चीज़ें, अब चल। और हाँ, जैसे कि अभी आपको बता दें कि हमारे शाहजहाँपुर में जो है सिर्फ यही नहीं, दो रामलीला होती हैं, एक ये ऑर्डिनेंस ड्रामस्टिक फैक्ट्री वाली और एक होती है खंडी बाग रामलीला। तो चलिए अब हम सीन चलते हैं खंडी बाग, वहाँ के आपको तैयारियाँ दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या तैयारियाँ हैं। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं OCL से खंडी बाग रामलीला मैदान, और जिसकी अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी जो है लगभग थोड़ी बहुत तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे दुकानों के लिए ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जा रहे हैं, वो बलिया वगैरह लग रही हैं। चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं, वो हम दिखाते हैं जैसे कि यहाँ खंडी बाग में भी जो मेले की शुरुआत की जो निशानियाँ हैं वो हमको दिखने लगी हैं। यहाँ पे ये दुकानों की जो टीन शेड वगैरह है वो आ चुके हैं, और इस टाइप से जो दुकानों के जो अलग अलग बनाए जाते हैं खांचे वो बनने लगे हैं। और यहाँ पे ग्राउंड में देखिए इस टाइप से कुछ बना दिया गया है, मिट्टी डाल दी गई है, जैसे बल्लियाँ वगैरह आ गई हैं। और यहाँ पर भी देखिए ऐसी मिट्टी वगैरह जो है खोदी जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो है बल्लियाँ लगी, यहाँ पे अलग अलग दुकानें, एक इधर दुकानें फिर इधर दुकानें जो लगती हैं उनके लिए यहाँ पे ऐसे बना दिया गया है। रस्सी वगैरह भी आ गई हैं, धीरे धीरे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, और लगभग बस कुछ ही दिनों बाद हमारे यहाँ लग जाएगा दशहरे का मेला, 2023 रामलीला शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स जैसे कि अभी आप देखते हैं यहाँ तक जो है वो बल्लियाँ लग चुकी हैं, और अभी यहाँ पर भी झूले वगैरह लगते हैं तो भी उसके लिए जगह खाली है। और ये है वो रामलीला मंच जहाँ पे कुछ दिनों बाद हमको यहाँ पे रामलीला देखने को मिलेगी, और ये पूरा ग्राउंड अभी खाली पड़ा हुआ है। कुछ दिनों बाद यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक और बहुत ज़्यादा चहल पहल देखने को मिलेगी। चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं स्टेज पर चढ़ के, क्योंकि अभी शायद से अंदर रिहर्सल भी चल रही है रामलीला की। 1 2 3 स्टार्ट। तो दूर से दिखाओ। 1 2 3 स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अभी हम जो है पहुंच चुके हैं यहाँ मंच पे, ये देख पा रहे हो अभी। और यहाँ पे आपको नीचे का नज़ारा दिखा दे पूरा वहां तक, हमको यहाँ पे अंकल मिले हैं। तो अंकल सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जी। यहाँ पे खंडी बाग में रामलीला जो है वो कब से शुरू हो रही है? ये 12 तारीख है जी, और उस दिन गणेश पूजन होगी, 13 तारीख को शुरू होगी। अच्छा। और 24 तारीख को विजयदशमी है जी, 25 को दशमी है। अच्छा अच्छा, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये तैयारियों का ब्लॉग जो हमने दिखाया हुआ सिर्फ का भी और खेलने बात का भी? चल अभी तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, और आगे जितनी भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट्स करो क्योंकि आपको मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, तो ये भी ज़रूर से बताया करो। मुझे भी अच्छा लगता है भाई मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखी जा रही है, तो ये जानने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आती है। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर से बताएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स एक और चीज़, मेरे भाई ब्लॉगर कार्तिक का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक के नाम से, तो उसका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो आजकल हॉरर वीडियोज़ हॉरर स्टोरी टाइम वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा बना रहा है। तो अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी वीडियो सुनना पसंद है तो उसका चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स चलिए कल अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।